हाय ऑल, वेलकम टू होम साइंस प्रोजेक्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि घर में मेडिसिंस को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, और साथ ही एक रेसिपी है DIY हीट पैक की। तो घर में जो मेडिसिंस आप डेली यूज करते हैं, जैसे BP या शुगर की हो या फिर कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स हो, इन्हें ऐसे पिल ऑर्गेनाइजर में स्टोर करके रखें। इस तरीके से बहुत सारे पिल ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं मार्केट में, इन्हें अगर यूज करेंगे तो आप बिना भूले आपके मेडिसिंस लेंगे। घर में एक अलग सी जगह रखें सारे मेडिसिन को स्टोर करके, सेग्रीगेट करके रखने के लिए। मैंने अपने किचन में एक कैबिनेट को मेडिसिन कैबिनेट की तरह यूज़ किया है, जिसमें मैं अपने सारे मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल नीड के चीज़ें रखती हूँ, स्टोर करती हूँ। इसमें ऐसा एक लेयर्ड बॉक्स है, ये लेयर्ड बॉक्स में मैं सारे टैबलेट्स रखती हूँ। सेकेंड बॉक्स में सारे ऑइंटमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं। थर्ड वाले बॉक्स में सारे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, या फिर फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट आउट करके इसमें नीटली फोल्ड करके रखा है इमरजेंसी के टाइम पे यूज आने के लिए। ऐसा एक बास्केट ट्रे है, इसमें प्लांट्स के या मेरे पेट के मेडिसिंस रखे हैं। ये फर्स्ट एड ट्रे है, तो अगर घर में किसी को मोच आ जाए या फिर कोई हर्ट हो तो दिस इज द ट्रे वी रीच फॉर। इसमें सारे फर्स्ट एड की चीज़ें रखे हैं। ऐसा एक ऑर्गेनाइजर में सारे बच्चों के सिरप्स रखे हैं। एक मेरे टपरवेयर में अपना हीट पैक स्टोर करके रखा है। ये हीट पैक बहुत पुराना है, 3 to 4 years हो गए हैं, बट बहुत इफ़िशेंट है, बहुत यूजफुल है घर में। एंड एक नेबलाइजर फॉर द पोल्यूटेड सिटी वी लिव इन, स्टीम इनहेलेशन के लिए स्टीमर। और इसी के नीचे एक बॉक्स में मैंने सारे एसेंशियल ऑयल्स रखे हैं, जिससे मुझे स्टीम इनहेलेशन लेना हो तो ईजी होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में इंस्टेंटली हीट पैक कैसे बनाएं। मैंने एक हीट पैक बनाया है, ऑलरेडी बहुत साल पुराना है ये, एंड इसे एक नैपकिन से, किचन नैपकिन से सीकर इसमें राइस डाल के अंदर इसे सी दिया है वापस। अगर आप सीना नहीं चाहते, आपको इंस्टेंट हीट पैक चाहिए, तो आप वो भी बना सकते हैं घर में। बस आपको एक पुराना चाहिए, सॉक्स चाहिए और हाफ कप चावल। सॉक्स में चावल भर दें, चावल 1/3 तक ही भरें सॉक्स में, पूरी तरीके से ना भरें, 1/3 लेवल तक सॉक्स में चावल भर दें। और फिर चावल सॉक्स को टाई कर दें नॉट में। जब आप सॉक्स को टाई करेंगे तो वो लगभग ऐसा दिखेगा। तो रेडी है हमारा इंस्टेंट हीट पैक। ये माइक्रोवेवेबल सेफ है। अगर आप कॉटन का सॉक्स यूज करें तो ये बहुत सेफ है, तो प्लीज कॉटन का सॉक्स ही यूज करें। बहुत कन्वीनियंट है ये, जब बच्चों को चोट लग जाए या फिर गर्म सेका देना हो, मोच आ जाए। तो मैं आप लोगों के सामने इसे माइक्रोवेव में गर्म कर रही हूँ। 1 मिनट तक रख के इसे माइक्रोवेव करें। उम्मीद है आपको ये बहुत यूजफुल लगा हो। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय गाइज़।